कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया सिमका की ओर से आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार, मैं ऑटो उस्ताद आज आपको बताता हूँ प्रोपेलर शाफ्ट क्या है और कैसे अपना कार्य करती है। प्रोपेलर शाफ्ट का कार्य इंजन की पावर को पीछे के व्हील्स तक पहुँचाना होता है। ये गियर बॉक्स को डिफरेंशियल से जोड़ता है और गियर बॉक्स से पावर लेकर डिफरेंशियल तक भेजता है। प्रोपेलर शाफ्ट को ड्राइव शाफ्ट भी कहा जाता है। ये अंदर से हॉलो होती है। फंक्शन, प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स को डिफरेंशियल से जोड़ती है और गियर बॉक्स की गति को डिफरेंशियल तक पहुंचाती है। ये हर एंगल पर पावर को ट्रांसमिट करती है। ये खुद की लेंथ को भी एडजस्ट कर सकती है। प्रोपेलर शाफ्ट पार्ट्स। यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट का मुख्य कार्य शाफ्ट को जोड़ना है और यूनिवर्सल जॉइंट जब लगाया जाता है, जब दोनों शाफ्ट के एक्सेस आपस में ना मिलते हों, जब व्हीकल अनइवन रोड से गुजरता है, तो यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट के झटकों को सहन करता है। जब शाफ्ट के अंदर ऑपरेटिंग एंगल एक जैसे होते हैं, तब पूरी शाफ्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमती है। जैसे ही ऑपरेटिंग एंगल को प्रोपेलर शाफ्ट के आगे वाले पार्ट से चेंज किया जाता है, तो यूनिवर्सल जॉइंट का दूसरा पार्ट सर्कल में ना घूमकर एक्लिप्स में ट्रैवल करता है। अब आपको पूरी ट्रांसमिशन लाइन से अवगत कराते हैं। वर्किंग ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इंजन पावर बनाता है और गियर बॉक्स को ट्रांसमिट कर देता है। गियर बॉक्स शाफ्ट प्रोपेलर शाफ्ट से यूनिवर्सल जॉइंट्स के जरिए जुड़ी रहती है। प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स से पावर लेकर डिफरेंशियल अथवा रियर एक्सल में भेज देती है और डिफरेंशियल से हाफ शाफ्ट जुड़ी रहती है। हाफ शाफ्ट का एक एंड डिफरेंशियल से जुड़ी रहती है। आइए अब बात करते हैं फ्रंट एक्सल कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्शन। पैसेंजर कार ज़्यादातर फ्रंट व्हील ड्राइव होती है और फ्रंट एक्सल के साथ ही ट्रांसएक्सल लगाया जाता है। इंजन फ्रंट में लगाया जाता है। इंजन गियर बॉक्स से क्लच के जरिए जुड़ा होता है। ड्राइव इंजन से व्हील्स तक गियर बॉक्स के जरिए पहुंचती है। गियर बॉक्स से आगे ट्रांसएक्सल जुड़ा होता है। वर्किंग, जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इंजन से पावर क्लच के जरिए ट्रांसमिशन तक पहुंचती है। ट्रांसमिशन से ट्रांसएक्सल कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण उसके अंदर के गियर्स भी घूमने लगते हैं। ट्रांसएक्सल से दो शाफ्ट कनेक्ट होती है, जो लेफ्ट और राइट के व्हील्स पर कनेक्ट होती है। ट्रांसएक्सल से पावर ड्राइव शाफ्ट तक पहुंचती है, जो आगे व्हील्स को घुमाती है। रियर एक्सल। रियर एक्सल गाड़ी के पिछले व्हील्स पर लगाया जाता है। रियर एक्सल के बीच में डिफरेंशियल लगाया जाता है, जो दोनों साइड से हाफ शाफ्ट से जुड़ा होता है। डिफरेंशियल प्रोपेलर शाफ्ट से गियर के जरिए जुड़ा होता है। वर्किंग, इंजन की पावर गियर बॉक्स के जरिए प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ा होता है। जैसे ही प्रोपेलर शाफ्ट घूमते हैं, वो पावर रियर एक्सल में डिफरेंशियल तक पहुंचती है और जिसके कारण दोनों हाफ शाफ्ट घूमती है। हाफ शाफ्ट का दूसरा एंड व्हील से जुड़ा होता है और इसके कारण व्हील्स भी घूमने लगते हैं। तो अगर आपने भी हमारे ऑटो उस्ताद को ध्यान से सुना है और आप भी इंजन के बारे में सब समझ गए, तो दीजिए इन सवालों का जवाब। क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन वन, प्रोपेलर शाफ्ट का क्या कार्य है? क्वेश्चन टू, प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर कौन सा जॉइंट लगाया जाता है? क्वेश्चन थ्री, यूनिवर्सल जॉइंट का क्या कार्य है? क्वेश्चन फोर, फ्रंट व्हील ड्राइव में फ्रंट एक्सल के साथ क्या जोड़ा जाता है? क्वेश्चन फाइव, फ्रंट व्हील ड्राइव में लाइव एक्सल कौन सा होता है? क्वेश्चन सिक्स, डिफरेंशियल के साथ कौन कौन सी शाफ्ट जुड़ी हुई होती है? क्वेश्चन सेवन, प्रोपेलर शाफ्ट का दूसरा नाम क्या है?
क्वेश्चन 8, फ्रंट व्हील ड्राइव कौन सी कार्स में दी जाती है? क्वेश्चन 9, रियर व्हील ड्राइव कौन सी कार्स में दी जाती है? क्वेश्चन 10, प्रोपेलर शाफ्ट कौन से मटेरियल की बनी होती है? आंसर्स 1, ऑल ऑफ दीज। 2, यूनिवर्सल जॉइंट। 3, पावर को एंगल पर भेजना और प्रोपेलर शाफ्ट की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना। 4, ट्रांसएक्सल। 5, फ्रंट एक्सल। 6, प्रोपेलर शाफ्ट, हाफ शाफ्ट। 7, ड्राइव शाफ्ट। 8, स्मॉल पैसेंजर कार। 9, हेवी व्हीकल्स। 10, लो कार्बन स्टील।